सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में टिड्डियों का आतंक जारी है। टिड्डियों के हो रहे हमले से किसान की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं सरकार भी किसानों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी है। उसी के बानगी है कि कृषि विभाग द्वारा रात्रि में प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन की सहायता से छिड़काव कर टिड्डियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। खाजूवाला क्षेत्र में टिड्डी के लगातार हो रहे हमले से खराब हुई फसलों से हुए आर्थिक नुकसान ने किसान की कमर तोड़ दी है। कृषि विभाग ने किसानों को राहत दिलाते हुए खाजूवाला में पहली बार टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए ड्रोन की सहायता से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे किसानों के चेहरे पर एक आशा की किरण दिखाई दी है। किसानों का कहना है कि टिड्डी हमले से कपास व मूंगफली की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक गिरदावरी नहीं हुई, जबकि मुख्यमंत्री ने विशेष आदेश दिए हुए हैं। वहीं कृषि विभाग द्वारा पहली बार ड्रोन से छिड़काव किया जा रहा है, आशा है परिणाम बढ़िया होगा।